हिंदी दिवस के अवसर पर असम में विद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य शिक्षा संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। असम के होजाई जिले के लंका महाविद्यालय में भी हिंदी दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। लंका महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर राष्ट्रभाषा हिंदी की महत्ता पर भाषण, देशभक्ति गीत का आयोजन किया गया, जिनमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देश में हिंदी भाषा का महत्व व संस्कृति में योगदान पर छात्रों ने अपने विचार प्रकट किए। वहीं विद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख गुणेश्वर सैकिया ने कहा कि देश की स्वतंत्रता और विकास में हिंदी भाषा का अहम योगदान है। हिंदी से हिंद है, संख्या बल और शब्दों की संख्या के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी भाषा बन गई है हिंदी। इस मौके पर हिंदी विभाग के प्रोफेसर शंभुनाथ, जयमती चौहान और गणेश चौहान के अलावा छात्र छात्राएं मौजूद थे। वर्षा के मोड़ की, स्वाति के पपिहार का, मिर्जापुर काजी की भाषा है हिंदी, राखी और दिवाली, ईद और बकरीद की, फगुआ के गीत की भाषा है हिंदी, हरियाली तीज की, करवा के व्रत की, चस्थी के गीत की भाषा है हिंदी। धन्यवाद। तो ये हिंदी भाषा को लेकर एक कविता जो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आप लोगों के सामने पेश किया। और आगे जो मैं कविता पाठ करने जा रहा हूँ, हमारे प्रयाग प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का है, अटल बिहारी साहब का है, सुनिए। तो वैसे तो हम उनके अंदाज से आवृत्ति तो हम नहीं कर पाएंगे, वो बड़े महान साहित्यकार थे, हमेशा हमारे जहन में वो अमर रहेंगे, हमारे ही नहीं विश्व भर के लोगों के हृदय में वो हमेशा बसे रहेंगे। वो एक राष्ट्र नायक, एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक बड़े साहित्यकार भी थे, जैसा कि हम सबको पता है। सुनिए तो उन्हीं के लिखे हुए कुछ कविता। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर चिटकी, हार नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता बिताता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। भरी दोपहरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से आ रहा, अंतरतम का नेत्र निचोड़े, बूझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुत बातें यज्ञ अधूरा, आत्मन के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीची हत्या जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। ऊंचे पहाड़ों पर पैर नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना खांसी जमती है, जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, ऐसी रोखाई कभी मत देना। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नदपथ फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, सब सब आठों को सर कर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा सोभी हिंदुस्तान हमारा। और एक कविता है, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे है, दांत बड़े गहरे है, टूटता जस्माद सच से भाई खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा सहर, अपनों के मैनों में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बन जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आंसू है ना मुस्काने, ठिठके झील के तट पर अति लागू सुनाता हूं, ना मैं चुप हूं ना गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं।